रेणुका का भी जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी उसमें भी सिलेक्शन हुआ था और उसने वहां पे काफी अच्छा बॉलिंग प्रदर्शन भी किया, उसको चीजें सीखने को मिली। झुलुदी के साथ वो जब बातें कर रही थी तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी उससे शेयर किए, तो वो काफी अच्छे रिदम में है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सक्सेसफुल बॉलर निकलेगी आने वाले टाइम पे इंडिया के लिए। और जहां तक बात है यास्तिका भाटिया की, मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत अच्छे से खेलती है अपनी इनिंग्स, बहुत अच्छे से बिल्ड करती है और उसको जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जो भी आप उससे बात करते हैं, वो हर चीज बहुत ही अच्छे से लेती है, समझती है और उसको प्लान आउट भी करती है और जब मौका मिलता है वो शो भी करती है। और सिमरन दिल बहादुर, वो एक बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर, मैं कहूंगी उसको बॉलिंग ऑलराउंडर, वो इतनी बहुत कॉन्फिडेंट है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके सामने कोई भी हो, चाहे वो उसके सामने आप किसी को भी रख दीजिए, वो बोलते नहीं मैं करके दिखाऊंगी, तो वो उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है और इसी वजह से शायद मैंने मैंने उसको चैलेंजेस में बहुत मौके भी दिए, क्योंकि एक प्लेयर की आप जब आप उससे बात करते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो प्लेयर के अंदर क्या क्वालिटीज हैं और आप उसे अच्छे से जान सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट प्लेयर है।